हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेडिकल्स लाइफलाइन और मैं हूं डॉक्टर रुबल कौर। ये क्लिप मैं मेरे फ्रेंड डॉक्टर सलमान नसीर सर के चैनल मेडिकल्स लाइफलाइन के लिए बना रही हूं। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए किन फूड्स का इस्तेमाल करें, आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे कंट्री में आजकल हर दूसरा बंदे को डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ का पेशेंट होता है। हमारे देश को इसलिए डायबिटीज़ का हब भी कहा जाता है। हमारा देश ही क्या, आजकल सारी दुनिया में ही डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो डायबिटीज़ का एक ऐसी बीमारी है जिसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ब्लड में शुगर का लेवल तेज़ी से बढ़ने लगता है। जब पैनक्रियाज इंसुलिन का बनाना कम कर देता है, बंद कर देता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। ऐसे में बॉडी को ठीक से एनर्जी नहीं मिल पाती है तो बॉडी में बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। डायबिटीज़ के मरीज़ों को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उनको थकान हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वो लोग काम भी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अपनी डाइट को ज़रूर ख्याल रखें। ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ के मरीज़ डाइट में ऐसे फूड का इस्तेमाल है। तो फ्रेंड्स, आज जानते हैं हम कि वो कौन से फूड्स हैं जिनको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। डायबिटीज़ डाइट नेचुरल इंसुलिन का काम करते हैं। ये पांच फूड्स ब्लड शुगर को रखते हैं कंट्रोल। एवोकाडो नेचुरल इंसुलिन का करता है काम। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अगर माने तो एवोकाडो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। जो ग्लाइसेमिक्स, ये फूड बॉडी में नेचुरल इंसुलिन का एक तरह काम करता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ये फूड बहुत ही बेस्ट होता है। ये भूख को कम लगाता है और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जो उसको कंट्रोल करता है। शुगर के मरीज़ इस फूड का इस्तेमाल ज़रूर करें, डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है इससे। नट्स जो करते हैं शुगर कंट्रोल। डायबिटीज़ के मरीज़ों को नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर को कंट्रोल करने में नट्स का बहुत बड़ा काम होता है। नट्स में जैसे है काजू है, बादाम है, मूंगफली है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये ड्राई फ्रूट्स डायबिटीज़ को कंट्रोल तो करते ही हैं और आप देखेंगे कि बॉडी को हेल्दी भी रखते हैं और फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर नट्स बॉडी को हेल्दी रखते हैं और उनको और डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। खास फिश का सेवन करें, वो शुगर को कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ में डाइट में अपनी डाइट में कुछ ऐसे ख़ास तरह की मछलियाँ का इस्तेमाल करें, जैसे हेरिंग, सैल्मन और सार्डिन का सेवन करने से ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है। डायबिटीज़ के मरीज़ अगर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो हफ्ते में 2 बार इस टाइप की मछलियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस मछलियों के इस्तेमाल से शुगर कंट्रोल रहते हैं और सेहत भी ठीक रहती है। जैतून और अलसी के तेल में फ़ायदेमंद होता है, कंट्रोल करता है शुगर को। जैतून और अलसी का तेल डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करने में असरदार होता ही है। आप देखेंगे कि जैतून का तेल लोग अपने खाने में जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका शुगर जो है कंट्रोल रहता है। जैतून के तेल में टायरोसोल नामक एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो इंसुलिन को और डायबिटीज़ में सुधार करने में असरदार होता है। जैतून के तेल की तरह ही अलसी का तेल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अपने खाने में। फाइबर से भरपूर अलसी का तेल पाचन को धीमा करता है। जैतून का तेल फूड्स में
फूड से ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है और ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल करता है। आप देखेंगे कि सऊदी अरब में और ये इधर की साइड में तो बहुत ज़्यादा लोग अपने खाने में जैतून के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे शुगर को कंट्रोल करने के फूड्स। अगर डायबिटीज़ के मरीज़ इन फूड्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में करेंगे तो उनका शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो प्लीज़ आप इन फूड्स को अपने डाइट में शामिल करें और बताएं कि आपको कैसा लगा, हमारी क्लिप कैसी लगी। हमारी क्लिप को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।